आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई सो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले देखिए हमें टावर की हाइट गिवन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है, ये हो गई इनके बीच के डिस्टेंस। अब यहां से बिल्डिंग की हाइट का एंगल 30 डिग्री है और इसके टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। इसको मेंशन कर देते हैं एंगल्स को। ये एंगल एक बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। मतलब कहने का दिस एंगल इज 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस एंगल इज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड ये हाइट जो है टावर की वो 50 मीटर हमें गिवेन है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करनी है ये हाइट, जिसे हम एच लेट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए नेम दे देते हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हाइट ऑफ द टावर जो कि सी डी है 50 मीटर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ये 30 डिग्री बना दिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ये 60 डिग्री बना दिया। हमें फाइंड करनी हाइट, मतलब हमें फाइंड आउट करना ए बी। लिख सकते हैं ए बी, जिसे हमने एच लेट की है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक एक ट्रायंगल लेते हैं। पहले हम लेंगे ट्रायंगल डी बी सी बी में, राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम बी सी बेस फाइंड आउट कर लेंगे। इन ट्रायंगल डी बी सी बी में लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो कितना हो जाएगा एन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया डी सी और बेस हो गया बी सी, इससे हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे। रूट थ्री विल बी इक्वल टू डी सी 50 है, बी सी अननोन है, तो बी सी विल बी इक्वल टू 50 अपॉन रूट थ्री, 50 अपॉन रूट थ्री मीटर, ठीक है। ये बी सी आ गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, क्योंकि हमें तो ए बी फाइंड आउट करना है, यहाँ भी 10 अप्लाई कर देंगे। 10 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए सिर्फ ए बी तो अननोन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 10 30 डिग्री मतलब 1 बाय रूट थ्री, ए बी का मतलब एच और बी सी का मतलब अभी भी फाइंड आउट के 50 अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री फ्रैक्शन रूल से ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। एच रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, एच इज इक्वल टू 50, तो एच मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 50 अपॉन 3 मीटर। हम चाहें तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमारे जो ऑप्शन हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही है, सो हम इसको और सॉल्व नहीं करेंगे। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर 3, 50/3 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।